स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती हैं ये हार्ड हो सकती है या फिर ये हो सकती है जेलेटिनस। अगर ये हार्ड होगी तो हम इसको कैप्सूल कहेंगे, अगर ये जेलेटिनस होगी तो हम इसको स्लाइम लेयर कहेंगे। सो ये है सबसे अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है सेल वॉल, और सबसे ऊपर वाली ये है ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स हो सकती है हार्ड, अगर ये हार्ड होगी तो हम इसको कहेंगे कैप्सूल, अगर ये हार्ड होगी तो हम इसको कैप्सूल कहेंगे, अगर ये जेलेटिनस होगी तो हम, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, तो हम इसको कहेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। सो ये या तो ये हार्ड हो सकती है या तो ये जिलेटिनस हो सकती है। अगर हार्ड होगी तो हम इसको कैप्सूल कहेंगे, अगर जिलेटिनस होगी तो हम इसको स्लाइम लेयर कहेंगे। अब ये तीनों लेयर्स को साथ में मिलाकर हम कुछ कहते हैं, दैट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन तीनों लेयर को साथ में कहते हैं सेल इन्वलप। तीनों लेयर्स को मिलाकर सेल इन्वलप बनता है। प्रोकैरियोटिक सेल की तीन लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वाली जो लेयर होती है वो है सेल वॉल, और जो सबसे अंदर होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल में भी कॉमन ही है, बट ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलती है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं, सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट से ही बनी होती है। ये नाम याद रखना है कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड से बनी है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। सो ये बातें याद रखनी है। इन तीनों लेयर को साथ में सेल इन्वलप कहते हैं। सो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है या यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से क्या प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में कॉमन है, तो आपको ये तीन या फिर चार ऑप्शन दे देंगे जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स भी होगा, सेल वॉल भी होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन पाई जाती है, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। सो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आप ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में सब कुछ समझना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके कुछ फ़ायदे आया हो, तो लाइक बटन को प्लीज़ दबाइए। अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक का बटन तो है ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे वीडियो के बारे में या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।